शिवपुर गांव में आदि और शालू अपने चाचा प्रीतम और चाची नर्मदा के साथ रहते थे। उन दोनों के माता पिता का देहांत रोड एक्सीडेंट में हो गया था। जहां प्रीतम बच्चों को बेहद प्यार करता था, तो वहीं नर्मदा उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। एक दिन शालू घर के बाहर अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तभी नर्मदा उसको आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ शालू की बच्ची, कहां मर गई? अभी आई चाची। जब देखो तब खेलती रहती है। घर का काम क्या तेरा बाप करेगा? पर चाची, घर का सारा काम खत्म करके ही मैं खेलने गई थी। काम खत्म हो गया है तो रात के खाने की तैयारी कर ले, तेरे चाचा आते ही होंगे। तभी आदि वहाँ आ जाता है। क्यों रे, कहाँ घूम रहा था? कभी घर पर भी टिक जाए कर। चाची, मैं पास वाले दुर्गा माँ के मंदिर गया था। मंदिर जाने की क्या जरूरत थी, खेत पर ही चला जाता अपने चाचा का हाथ बटाने, उन्हें भी कुछ आराम मिल जाता। हाँ चाची, पहले खाना खा लूं फिर चला जाऊंगा। पर खाना तो खत्म हो गया, अब रात को ही मिलेगा। आदि बिना कुछ खाए भूखा ही खेत पर जाने के लिए निकल जाता है, पर शालू को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो अपनी चाची से कहती है, चाची आपने आदि भैया से झूठ क्यों कहा, वो भूखा ही चला गया। तू जरा सी लड़की मुझे झूठी बता रही है, आने दे तेरे चाचा को, फिर बताती हूँ तुझे। फिर शाम को दोनों चाचा भतीजा घर वापस आते हैं। उनके आते ही नर्मदा उन दोनों के खिलाफ प्रीतम के कान भर देती है, जिससे वो उन दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। रात को ठंड में दोनों सड़क पर चले जा रहे थे, तभी शालू कहती है, आदि भैया अब हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? तू चिंता मत कर शालू, तुझे याद नहीं जब हम पर कोई भी मुसीबत पड़ती थी तो माँ क्या करती थी? मुझे तो कुछ भी याद नहीं भैया, मैं तो बहुत छोटी थी ना, आप ही बता दो क्या कहती थी हमारी माँ। माँ हमेशा कहती थी कि माँ दुर्गा का सदा ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा करने वालों पर कभी कोई मुसीबत नहीं आती। चल अब हम सीधा माँ दुर्गा के ही मंदिर चलते हैं। इतना कहकर दोनों बच्चे माँ दुर्गा के मंदिर चले जाते हैं और भूखे प्यासे रात को वहीं जमीन पर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब पंडित मंदिर का दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं तो उन दोनों से पूछते हैं, अरे तुम लोग यहाँ कैसे आए? फिर वो दोनों अपनी सारी कहानी पंडित को बताते हैं। वो सब तो ठीक है बच्चों, पर कोई भी तुम्हें मंदिर में रहने नहीं देगा। पंडित जी हमें कुछ दिन यहाँ रहने दीजिए, फिर हम कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ ही लेंगे। अगर तुम लोग चाहो तो मंदिर के पीछे मेरी कुटिया है, तुम कुछ दिन वहीं रह सकते हो, जैसे ही तुम्हें कोई ठिकाना मिल जाए तब चले जाना। इसके बाद आदि और शालू पंडित जी की कुटिया में ही रहने लगे। आदि मंदिर की साफ सफाई करता तो वहीं शालू माँ के लिए फूलों की माला बनाने का काम करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात आदि के सपने में माँ दुर्गा आती हैं और उससे कहती हैं, वत्स तुम दोनों भाई बहन की भक्ति से मैं बेहद प्रसन्न हूँ, अभी तुम दोनों को बहुत सारे कार्य करने हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, इसीलिए कल सुबह होते ही अपनी बहन को लेकर उत्तर दिशा की ओर चलते रहना, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। आदि चौंक कर उठकर बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने अगल बगल देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। अगले दिन सुबह वो पंडित जी को सारी बात बताता है। पंडित जी ने उन्हें खाना और कुछ पैसे दे दिए। दोपहर होते होते वो दोनों चलकर काफी दूर निकल आए थे। फिर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगे, तभी उनके पास एक भिखारी आता है। फिर आदि और शालू अपने खाने में से थोड़ा थोड़ा उस भिखारी को भी दे देते हैं। बच्चों, तुम दोनों ने खुद आधा पेट खाकर मुझे खाना दिया है, मेरे पास तुम्हें देने को तो कुछ नहीं है, पर आज मैं तुम्हें ऐसा मंत्र बताता हूँ जिसका जाप करके तुम जो भी काम करोगे उसमें सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। पर बाबा, आपको इस मंत्र के बारे में कैसे पता? तू ये मंत्र याद कर ले बस, फिर देख तेरी जिंदगी सवर जाएगी। तुझे याद तो होगा ही कि माँ दुर्गा ने तेरे सपने में आकर क्या कहा था। लेकिन आप इस बारे में कैसे जानते हैं बाबा कि दुर्गा माँ मेरे सपने में आई थी और उन्होंने क्या कहा था? तभी वो भिखारी हनुमान के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जय श्री राम। बच्चों, माँ दुर्गा के आदेशानुसार मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगा और तुम दोनों के ऊपर कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ दूर आगे चलने पर एक गांव आता है जहां एक दुकान के बाहर हेल्पर की आवश्यकता है का नोटिस लगा हुआ होता है। ये देखकर आदि और शालू उस सेठ की दुकान में काम करने लग जाते हैं।
आदि जहाँ कपड़े बेचने का काम करता है, वहीं शालू उस दुकान में साफ सफाई के साथ साथ चाय पानी देने का काम संभाल लेती है। कुछ समय बाद आदि और शालू सेठ जी से कपड़े लेकर गांव गांव बेचने निकल पड़ते हैं। उनके कपड़े हाथों हाथ बिक जाते हैं। सारा काम अच्छे से सीखने के बाद थोड़े थोड़े पैसे जमा करके आदि और शालू खुद की कपड़ों की दुकान खोल लेते हैं और माँ दुर्गा की कृपा से उनकी दुकान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगती है। दोनों भाई बहन की दुकान से होने वाली मोटी कमाई से एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं और उसके अंदर माँ दुर्गा का बहुत बड़ा मंदिर बनाते हैं। फिर वो दोनों सुबह शाम माँ दुर्गा की भक्ति करने लगते हैं और हर महीने माता के नाम के भंडारे करवाने लगते हैं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी उन पर खूब बरसता है और देखते ही देखते वो दोनों उस गांव के सबसे धनी लोगों में शुमार हो जाते हैं।